नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम सवाल कर रहे हैं लोगों से कि अब 2 साल हो गए हैं समाज में जो सत्संग नहीं हो रहे हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के, जानते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आया है समाज में लोगों के बीच में उनका ना होने से। नमस्कार, क्या नाम आपका? प्रोमिला। प्रोमिला जी, आप डेरा सच्चा सौदा से कब से एसोसिएटेड हो? मैं जब से मेरी 15-16 साल से शादी हुई तब से मेरे जैसे ग्रैंडफादर आते थे यहाँ पे, तो मेरे को भी नाम दिलवाया यहाँ पे, तो उसके बाद में मैं आती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ है? हाँ, क्या आपको आज भी अच्छा लगता है यहाँ? कुछ कुछ लगता है, क्योंकि गुरुजी की वो जो कमी होती है वो तो हम महसूस करते ही हैं जी, है ना। ये है कि अच्छा तो लगता है यहाँ आना, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब बताया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, यहाँ पे गुरु का नाम लिया जाता है, लेकिन जो गुरुजी की कमी है वो तो हम कमी पूरी नहीं कर सकते जी, है ना। बीइंग गर्ल, क्या आपको सेफ्टी महसूस होती है? हाँ जी, डेरा क्यों नहीं, ये हमारा गुरुजी का डेरा है, बहुत दिनों से है, और जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे, तो बहुत अच्छा फील करते हैं हम यहाँ पे, सेफ्टी महसूस करते हैं, अकेलापन भी महसूस नहीं करते यहाँ पे। जैसे सिविल में जाते हैं तो हमें कुछ डर लगता है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत अच्छा फील महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं यहाँ पे। यहाँ के बारे में जो सवाल दिखाए गए थे मीडिया के द्वारा, वो क्या थे फिर? वो बहुत गलत थे, बहुत ही गलत थे वो, क्योंकि वो जो दिखा गया था ढोंग ढकोसला, जब सब कुछ ही झूठ था मैडम जी, ये यहाँ जो दिखाया गया था वो सब कुछ झूठ था, यहाँ रियलिटी में बहुत अच्छा है जी। गुरु जी कैसे हैं? गुरु जी हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, भगवान हमारे लिए, हमारे गुरु हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, उनके लिए जो करते हैं गलत उनके लिए गलत होंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं गुरु जी। समाज के लिए क्या काम किया उन्होंने? समाज के लिए सारे अच्छे काम किए हैं उन्होंने, जैसे भ्रूण हत्या, जैसे पता नहीं कितने करोड़ों आदमियों की, मेरे मैं अपने हिसाब से कहती हूँ, तब से मैं आती हूँ, बहुत ही करोड़ों इंसानों के नशे वगैरह छुटवाए हैं, है ना। चोर छक्के कितने घूमते थे, उनकी चोरी वगैरह छुड़वाई है, ये है मैम। तो क्या आपको लगता है उनका 2 साल ना होने से कोई फ़र्क आया समाज में? हाँ मैम, आया है बहुत, काफ़ी आया है, जैसे भ्रूण हत्या बढ़ गई है, जो पहले नशा छोड़ चुके थे वो दोबारा से नशा भी करने लग गए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो मीडिया है उसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है उससे, है ना मैम। सरकार से क्या अपील करोगे आप? इसका सरकार से मैं अपील करूंगी कि मैम जल्दी से जल्दी गुरु जी को वापस लाए। थैंक यू सो मच मैम।